राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक गया के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी तो वो खुद हैं, और कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता करके खुद नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी हो या और कहीं, अब भाजपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का अब कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। कहते थे कि चाय बेचने आए हैं मोदी जी, चाय बेचते बेचते देश को ही बेच दिए, और इनके सरकार में सिर्फ अफसरशाही हो गई है, इनके सरकार में आम जनता के सुनने वाला कोई भी नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से किसानों के लिए MSP घोषणा की, लेकिन उस MSP के किसानों को दाम नहीं मिला। पैक्स को भी CC नहीं हुआ, CC नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, जिनके कारण आज किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। वीडियो न्यूज बिहार के लिए गया आशीष कुमार की रिपोर्ट। MSP की घोषणा की, लेकिन उस MSP का किसानों को दाम नहीं मिला। पैक्स को भी CC नहीं हुआ, CC नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरे रूप से धान खरीद नहीं पाए, और यही कारण है स्थिति किसान भी बेहाल है, स्कूलों की स्थिति भी बेहाल है, तो सारी स्थिति। तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तिथि तय हो जाएगा, 15 दिन में हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। और कोरोना के जो आपका मापदंड है, जो आपका प्रोटोकॉल है, उसको लागू करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना अब ये सरकार सुनने वाली नहीं है। चिराग का कल आशीर्वाद यात्रा था, बहुत अच्छा। चिराग पासवान जी के साथ जिस तरह से जनता दली हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय करने का काम किया, तो वो कहा भी गया है कि जब कोई रास्ता न मिले तो जनता के बीच जाइए। चिराग जी जनता के बीच जा रहे हैं, और जिस तरह से उल्लास कल हम लोगों ने देखने का भी काम किया, और मीडिया के माध्यम से भी देखा, और लोगों से, आम लोगों से सुनने का भी काम किया, तो जो उनके प्रति आकर्षण, उनके जो वोटर थे, उसका कहीं क्षरण नहीं हुआ, वो उनके साथ है। और वो पटना से चले 12 बजे, तो 9 बजे रात में पहुँचे सुल्तानगंज हाजीपुर, जहाँ मैक्सिमम 1.5 घंटे में आदमी पहुँच सकता है, तो आप समझ जाइए कि किस तरह का वेग है। सर, आप दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं, अफसरशाही को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि दोनों सरकार के तुलना? याद होगा, मैं भी इस जिला का प्रभारी रहा हूँ, मेरे कामों का आकलन आप लोग भी करते होंगे और अभी भी करते होंगे, और मैंने इस्तीफा दिया था उस समय, आप लोग को पता है कि अफसर के, हमने अफसर को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जिस तरह से विभाग में अफसर अपनी ही नीति चलाने लगे, मंत्री को अधिकार होता है कार्य का आवंटन करना, हम ट्रांसफर पुष्टि की बात नहीं कर रहे, कार्यों का आवंटन करना, लेकिन मंत्री के बाईपास करके प्रधान महासचिव, प्रधान सचिव ने कार्यों का आवंटन किया। इस बात का मुझे खेद हुआ, मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि काम कौन पर सब पदाधिकारी पोस्टेड है, उसको कार्य का बंटवारा करना है, वो भी नहीं हुआ, नहीं है अफसरशाही। इस बात को तो वर्तमान मंत्रिमंडल के भी कई साथी बोल रहे हैं, और आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, इसी गया के जिला के बारे में जब हम आ रहे थे, तो लोगों को जो पूछ रहे थे, हम लोगों का जो हाल देख रहे हैं, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो वातानुकूलित कमरे में बैठ करके प्रशासन चला रहा है, इसलिए कि जैसा राजा होगा वैसा ही उसके नुमाइंदा होंगे, तो राजा ही एक अन्य मार्ग के वातानुकूलित कमरे में ही बैठ करके जब शासन चला रहे हैं, तो शासन जब चलता है तो पहले हम पढ़ते थे कि राजा भेष बदल करके जाता था इलाके में, अब आप अफसरों के आँखों से आप देखेंगे, अफसरों के कानों से सुनेंगे, तो शासन व्यवस्था क्या होगी? सर, मोदी के हनुमान से